हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली पर अब स्वारघाट से लेकर बिलासपुर तक बरसात के दौरान भूस्खलन के खतरे को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने सड़क के किनारे जगह जगह पर साइन बोर्ड लगाए हैं, ताकि इस रास्ते से सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल मणिकर्ण साहब जाने वाले श्रद्धालु और कुल्लू मनाली जाने वाले पर्यटकों को भूस्खलन और पहाड़ी से गिरने वाले पत्थरों के खतरे से आगाह किया जा सके। राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ मनाली, इसी रास्ते पर कई जगह ऐसी है जहां पर थोड़ी सी बरसात होती है उसके बाद पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। पहाड़ी से गिरने वाले ये पत्थर कई बार पर्यटक और श्रद्धालुओं की जान पर बन आते हैं और कई बार तो सड़क पर घंटों जाम लगा देते हैं। इसलिए लोक निर्माण विभाग ने पर्यटक एवं श्रद्धालुओं को जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए इन जगहों पर बोर्ड लगाए हैं, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रहें, सावधान रहें और अपनी यात्रा के दौरान उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। नूरपुर के कस्बा जसूर में स्वच्छता अभियान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। कुछ लोग कूड़ा करकट जसूर के खड्ड में फेंक रहे हैं, जिससे हर समय बीमारी होने का खतरा रहता है। खड्ड के साथ सूचना पट भी लगाया गया है कि कूड़ा कचरा फेंकने वाले पर पंचायती राज अधिनियम के तहत जुर्माना किया जाएगा, फिर भी लोग सरेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नूरपुर खंड विकास अधिकारी कई बार इसी विषय पर पंचायत के लोगों और व्यापार मंडल के साथ बैठकें कर चुके हैं, फिर भी लोग कानून की धज्जियां उड़ाने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। जहां मन कर रहा है वहीं कूड़ा करकट फेंक रहे हैं। जब इसके बारे में नूरपुर के खंड विकास अधिकारी ओपी ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गंदगी का उचित निपटारा होना चाहिए। पंचायत को इसके बारे में निर्देशित भी किया गया है और पंचायत ने गंदगी फैलाने वालों को नोटिस भी निकाले हैं। लोगों से एक बार फिर अपील की जाती है कि वो अपने क्षेत्र को कूड़ा करकट से मुक्त रखें। ओपी ठाकुर ने कहा कि साफ सफाई हमारा सभी का दायित्व है, जो कि पूरे क्षेत्र को मिलजुल कर ही करना होगा, अन्यथा मजबूर होकर पंचायती राज अधिनियम के तहत जो शक्तियां दी हुई हैं उसके तहत चलान किए जाएंगे। सोलन में डेंगू लगातार पैर पसार रहा है। अब तकरीबन 7 महीनों में करीबन 18 लोग इस रोग से प्रभावित हुए हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष डेंगू के ज्यादा मामले परमाणु बद्दी और नालागढ़ से ज्यादा आए थे, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग ने इन क्षेत्रों में जागरूकता फैलाई और लोगों के चालान भी किए गए। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में अभी तक एक भी व्यक्ति को डेंगू नहीं हुआ, लेकिन सोलन शहर में ही दर्जन से ज्यादा मामले डेंगू के सामने आने से स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना हो गया और शहरवासियों को जागरूक करने में लगा है। अधिक जानकारी देते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि सोलन शहर में 7 माह के भीतर अभी तक 18 मामले डेंगू के सामने आए हैं, जिनका इलाज किया गया है, जो अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि डेंगू से पीड़ित लोग ज्यादातर वे हैं जो हिमाचल के बाहर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कुछ वे हैं जो कामकाज के सिलसिले में बाहरी राज्यों का दौरा करते रहे हैं। उन्होंने लोगों को परामर्श दिया कि वे उन क्षेत्रों में जाने से परहेज करें जहां ज्यादा मच्छर पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित है और उसे ठंड लग रही है या सरदर्द की शिकायत है तो वे तुरंत अस्पताल में जाकर उसका टेस्ट करवाए। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में श्रावण अष्टमी मेला में आने वाले श्रद्धालु किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। किसी भी आपात स्थिति में मंदिर न्यास के फोन नंबर 0197828048 पर संपर्क करें। ये बात एडीएम बिलासपुर मेला अधिकारी विनय दीवान ने
पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री नैना देवी में कही, ईडीएम बिलासपुर ने श्री नैना देवी क्षेत्र का दौरा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि श्री नैना देवी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भूस्खलन अभी तक नहीं हुआ है और किसी भी प्रकार का खतरा यहां श्रद्धालुओं को नहीं है, न ही कोई पहाड़ी डर की है। जो भी श्रद्धालु माता जी के दर्शनों के लिए आना चाहते हैं वे बड़े आराम से माता जी के दर्शनों के लिए पहुंचे। किसी भी आपात स्थिति में मंदिर न्यास के नंबर पर संपर्क करें और अफवाहों से दूर रहें। विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में प्राचीन पवित्र मंदिर न्यास की त्रोहर पीपल का पेड़, जिसका एक भाग खोखला होता जा रहा है, उसका अब जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ईडीएम बिलासपुर मेला अधिकारी विनी दीवान ने बताया कि ये जीर्णोद्धार मंदिर न्यास के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि जब इस प्राचीन मंदिर के पेड़ में एक तरफ से खराब होने लगा था, लेकिन नौणी विश्वविद्यालय के डायरेक्टर रिसर्च डॉक्टर जेएन शर्मा की अगुवाई में 3 सदस्यों की टीम ने माता श्री नैना देवी के दरबार पहुंची। उन्होंने इस प्राचीन वृक्ष को चेक किया और इसे फेसिंग करने के लिए उन्होंने निर्देश दिए। इसके चारों तरफ जाली लगाने का कार्य भी शुरू हो गया है।